हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की शुरू करने पर बात करेंगे यहाँ पे द ऑल न्यू पोको F3 के बारे में। आज की शुरू में मैं आपको अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दूंगा, कैसा स्मार्टफोन डिस्प्ले, कैसा परफॉर्मेंस, कैसे है सारा कुछ जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में अगर बैठने से पहले चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जाकर ऑल पर क्लिक कर देना ताकि मेरी वीडियो से सब नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करता हूँ। और इसके साथ ही वीडियो पसंद करते वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आज की वीडियो का लाइक टारगेट है उसे 10 लाइक है, उम्मीद करता हूँ जल्दी पूरा कर देंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो भाई अगर हम बात करें ना पोको F3 की डिस्प्ले की, तो यहाँ पर 6.67 इंच का एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलता है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, HDR 10 प्लस की सपोर्ट, कॉर्निंग ग्लास 5 की प्रोटेक्शन देखने को मिलती है। अगर ओवरऑल यहाँ पर जो डिस्प्ले है वो काफ़ी आउटस्टैंडिंग देखने को मिलता है। अगर हम बात करें यहाँ पर स्मार्टफोन की मेमोरी की, तो 2 वेरियंट है पाकिस्तानी मार्केट में, एक है 6GB रैम प्लस 128GB इंटरनल स्टोरेज, और जो सेकेंडरी वेरियंट है वो है 8GB रैम बिल्ट इन 256GB इंटरनल स्टोरेज, UFS 3.1 की स्टोरेज टाइप मिल जाएगी, LPDDR4X की रैम टाइप देखने को मिल जाएगी। अगर हम बात करें यहाँ पे स्मार्टफोन कैमरा सिचुएशन की, तो भाई बैक पर आपको ट्रिपल कैमरा से सेटअप देखने को मिलता है। मेन कैमरा जिसमें 48 मेगापिक्सल का है, साथ 8 का अल्ट्रा वाइड और 5 का मैक्रो सेंसर देखने को मिलता है। यार यहाँ पर कैमरा के ऊपर इतना फोकस नहीं किया गया क्योंकि यहाँ पर कम से कम 64 मेगापिक्सल का होना चाहिए था इस प्राइस रेंज के अंदर। लेकिन यहाँ पर जो कैमरा की इमेज प्रोसेसिंग होगी वो काफ़ी तगड़ी देखने को मिलेगी क्योंकि इसमें जो प्रोसेसर है वो काफ़ी हाई एंड लेवल देखने को मिलता है। अगर हम बात करें यहाँ पर स्मार्टफोन परफॉर्मेंस की, तो भाई यहाँ पर आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 870 का एक पावरफुल प्रोसेसर मिलता है जो कि फ्लैक्सिबल की सीरीज का प्रोसेसर है, ठीक है, और ये 5 नैनोमीटर फैब्रिकेटेड है और ये एक 5G प्रोसेसर है, यानी कि यार इस पे आपको 5G का सपोर्ट भी देखने को मिलता है। साथ ऑक्टाकोर का CPU है 2.8 GHz के साथ। यस गाइस, यहाँ पर आपको जो परफॉर्मेंस मिलेगी ना वो काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। जितने भी इस वक्त 1 लाख से नीचे के फ़ोन हैं उसकी जितनी परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगी, यानी कि 1.5 लाख तक के फ़ोनों को भी ये स्मार्टफोन कम्पीटेट कर रहा है। फ्रंट पे आपको छोटा स्पंज देखने को मिलेगा 20 मेगापिक्सल जिसमें सेल्फी देखने को मिलती है। बैक कैमरे से 4K की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। USB 3.1 की यहाँ पर आपको टाइप सी केबल देखने को मिलेगी। तो भाई यहीं पर ना बात करें स्मार्टफोन बैटरी की, तो यहाँ पर आपको 4520 mAh की बैटरी देखने को मिलती है और साथ 33W की फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन भी आपको प्रोवाइड किया गया है। यार ओवरऑल काफ़ी जो स्मार्टफोन है इसकी जो स्पेसिफिकेशन है वो काफ़ी आउटस्टैंडिंग और हाई एंड लेवल की देखने को मिलती है। ऐसी स्पेसिफिकेशन हमें सैमसंग गैलेक्सी S20 सीरीज़ के अंदर देखने को मिली थी। तो यार ये जो सीरीज़ है आपके बजट के अंदर जाती है, यानी कि हाई मिड रेंज आप इसे कह सकते हैं, यानी कि अंडर 70,000 आपको स्नैपड्रैगन 870 प्रोसेसर, 8GB रैम की 256GB की स्टोरेज, साथ ही ऑफिस 3.1 की स्टोरेज टाइप, 33W की फास्ट चार्जिंग। तो भाई कैमरा सिचुएशन भी काफ़ी आउटस्टैंडिंग देखने को मिलती है क्योंकि प्रोसेसर इस वक्त जो लगाया गया है वो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देता है। तो भाई अगर आपने स्मार्टफोन खरीदना है तो बिना दिखे समझे कुछ भी करें। तू मेरा पुत्र छोटी का चल, अच्छा स्मार्टफोन है, मैं तो आपको लास्ट तक रिकमेंड करूंगा। अगर मैं बात करूँ स्मार्टफोन प्राइस इन पाकिस्तानी मार्केट, तो बेस वेरिएंट है उसकी प्राइस देखेंगे पाकिस्तानी मार्केट में ऑलमोस्ट 57,000, और इसका तो सबसे भरा वेरिएंट है 8GB की रैम 256GB की स्टोरेज, उधर उसकी जो प्राइस देखेंगे ये पाकिस्तानी मार्केट में 67,000, 8GB की रैम 256GB की स्टोरेज, UFS 3.1 की स्टोरेज टाइप के साथ। यार ये जो फोन है काफ़ी आउटस्टैंडिंग फोन है, मुझे किसी ने पैसे नहीं दिए क्योंकि हमारा चैनल काफ़ी छोटा है, तो यार क्रीप में मैं ऐसे ही कर रहा हूँ क्योंकि फोन काफी अच्छा है। यार अगर आपने बाय करना होगा लाजमी तौर पर बाई करेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और साथ क्वालिटी बताना कि क्वालिटी कैसी है, मैं दिन ब दिन इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप मुझे फीडबैक लाजमी तौर पर कमेंट्स में दिया करें ताकि मैं आगे से इंप्रूव कर सकूँ। बड़ा वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक कर देना। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड, देखते रहे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।